नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में और लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। बॉर्डर बनाने के बाद आप 4 लाइन प्लेन बना लें, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। 4 लाइन बनाने के बाद 5वें लाइन से ये डिज़ाइन शुरू होगा। 5वें लाइन में हम अपना दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे और 2 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर अगला 3 फंदा लेंगे और दूसरे फंदे का, ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, तो दूसरे फंदे में 4 लाइन नीचे आएंगे। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन नीचे आएंगे और दूसरे रंग के ऊन से एक लूप निकालेंगे। अब लूप को ऐसे ही रहने देंगे। 3 फंदा इसी रंग के, यानी दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर अगला 3 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, 1, 2, 3। फिर अगले 2 फंदे में, ये पहला फंदा, ये दूसरा, अगले दूसरे फंदे में 4 लाइन नीचे आएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4, 4 लाइन नीचे आएंगे और दूसरे रंग के ऊन से एक लूप निकालेंगे। और फिर 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, 1, 2, 3। इसी तरह 3 रंग पहले रंग के ऊन से सीधा और 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा और 3 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा। तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा और 3 फंदा बुनने से पहले हमें लूप निकालना है। और लास्ट 2 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, जो जिस रंग का फंदा है उसी रंग के ऊन से बुना जाएगा उल्टा। दूसरे रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा बुना और लूप को जो हमने लिया है उसे बुनना नहीं है, उसे स्लिप कर लेना है। फिर 3 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, फिर 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा और लूप को स्लिप कर लेना है। इस लूप को बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से, अब सिर्फ हमें पहले रंग के ऊन से ही बुनना है, दूसरे रंग का ऊन इस लाइन में नहीं बुना जाएगा। तो 2 फंदा सीधा बुना और इस लूप को हम अभी स्लिप कर लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा सीधा। ये दूसरे रंग के ऊन का 3 फंदा है, तो साइड वाले दोनों फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और बीच वाला फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। और अब इस लूप को उठाएंगे और इन तीनों फंदों को इसमें से निकाल लेंगे। अगला 3 फंदा सीधा और अब इस लूप को स्लिप करेंगे। ये दूसरे रंग के ऊन का 3 फंदा है, तो पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे और फिर तीसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद इस लूप को उठाएंगे और इन तीनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। अगला 3 फंदा सीधा, लूप को दाहिने हाथ की सिलाई में ले लेंगे। फिर दूसरे रंग के उनके 3 फंदे हैं, तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर इस लूप को उठाएंगे और इन तीनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। अगला 3 फंदा सीधा,
फिर से देखिए, लूप को दाहिने हाथ की सिलाई में ले लेंगे और ये दूसरे रंग के ऊन से तीन फंदे सीधे बुने गए हैं। तो पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा स्लिप कर लिया, तीसरा फंदा सीधा बुना। और अब इस लूप को उठाएंगे और तीनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब लूप की वजह से एक फंदा बढ़ गया था तो अब वो समाप्त हो गया और जितने फंदे थे सिलाई में उतने ही रह गए। तीन फंदा सीधा बुना, फिर हमारा ये लूप आ गया। तो लूप को दूसरे सिलाई में ले लेंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में ले लेंगे और दूसरे रंग के उनके तीन फंदे बुने गए हैं। तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर चौथा फंदा तीसरा फंदा सीधा। उसके बाद लूप को उठाएंगे और इन तीनों फंदों को इसके अंदर से निकालेंगे, दो फंदा सीधा। और बैक साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हम चार लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो चार लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन बुना जा चुका है। तो अब फिर इस लाइन में डिज़ाइन पड़ेगा। तो पांच फंदा सीधा बुन लेंगे पहले रंग के उनसे, दो तीन चार पाँच। और अब इन तीन फंदों में जो हमने यहाँ बीच में गैप छोड़ा है, इन तीन फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। तो ये दूसरा फंदा है, इसमें चार लाइन नीचे आइए और दूसरे रंग के ऊन से एक लूप निकालें। फिर तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। और फिर देखिए, यहाँ पे तीन फंदों में डिज़ाइन पड़ा था, तो ये तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुना जाएगा, एक दो। और बीच बीच में इसको हम लपेटते रहना चाहिए। फिर अब तीन दूसरे लाइन में, दूसरे फंदे में चार लाइन नीचे आएंगे, एक दो तीन और चार, और एक लूप निकालेंगे। फिर लूप को ऐसे ही रहने देंगे और तीन फंदा दूसरे रंग के उनसे सीधा। फिर तीन फंदा पहले रंग के उनसे सीधा। फिर दूसरे फंदे में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे दूसरे रंग के उनसे। और फिर अगला तीन फंदा दूसरे रंग के उनसे सीधा। फिर तीन फंदा पहले रंग के उनसे सीधा। तीन तीन फंदा दोनों रंग के ऊन से बुनना है और दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनने के पहले दूसरे फंदे में चार लाइन नीचे आके लूप निकालना है। दूसरे फंदे में चार लाइन नीचे आएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन और चार, और एक लूप निकालेंगे। फिर तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। लास्ट के पांच फंदे हैं तो इसे पहले रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से जो जिस रंग का फंदा है उसे उसी रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे और लूप को स्लिप करते जाएंगे। तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुन लिया, अब लूप को स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा और लूप को स्लिप करते जाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर पहले रंग के ऊन से इन पांच फंदों को तो हमें सीधा बुन ही लेना है, तो पांच फंदों को सीधा बुन लिया,
लूप को स्लिप किया, फिर इन तीन फंदों में से पहला फंदा और सीधा बुनना है, दूसरा फंदा स्लिप करना है, फिर तीसरा फंदा सीधा बुनना है, और लूप को उठा के इन तीनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेना है। फिर तीन फंदा सीधा, लूप को दाहिने हाथ की सिलाई में लेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीसरा फंदा सीधा, और लूप को उठाएंगे, इन तीनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे, अगले तीन फंदे सीधे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, फिर चार लाइन प्लेन बुनेंगे। तो डिज़ाइन बन के तैयार है। डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, बीच बीच में लपेटने से ये उंगली फंसने का डर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।